हाय गाइस, वेलकम बैक टू दीके कामना ब्लॉग्स। मैं हूँ दीके और आज मैं हूँ कामरूप डिस्ट्रिक्ट पे। कामरूप डिस्ट्रिक्ट पे यानी हॉयग्रीव माधव मंदिर में दर्शन करने के लिए आया हूँ। जो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाजू हॉयग्रीव माधव मंदिर जाने के लिए मेरी यात्रा की शुरुआत हुई गुवाहाटी उलूबारी से। गुवाहाटी उलूबारी से हॉयग्रीव माधव मंदिर लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है और 1 आवर तक लग सकते हैं अगर आप खुद की व्हीकल लेके जाओगे तो। अगर आप पब्लिक बस या टैक्सी लेके जाओगे तो थोड़ा लेट हो सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आसानी से पहुंच जाओगे। हॉयग्रीव माधव मंदिर आके मुझे एक बड़ा सा तालाब दिखा और तालाब के नज़दीक में चले गया था और बहुत सारे कछुआ मुझे देखने लगा था। और यहाँ पर बहुत ही सारे कछुआ है जो कि मैंने पहले नहीं देखा, आज यहाँ आके मैंने देखा है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे खुद पे। तो सही में मैंने बहुत अच्छा प्लेस पे आया हूँ आज। और हाँ, यहाँ मंदिर पे आके मुझे मंदिर के बारे में कुछ जानकारी मिली है। तो कालिका पुराण के अनुसार ये मंदिर 11th century की पुरानी है और ये मंदिर रघुदेव नारायण ने 1583 यानी 10th century में निर्माण किया था। और यहाँ का फेमस उत्सव है दोल उत्सव, बिहू एंड जन्माष्टमी यहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ पर हर दिन बहुत सारे भक्त आते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ पर सभी धर्मावलंबी लोग आ सकते हैं। मंदिर दर्शन करने के लिए पूजा का सामान यहाँ पर मिल जाएगा। पूजा का सामान खुद लेके नहीं आओगे तब भी चलेगा, यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं पूजा का सामान, तो यहाँ पर आप लोग खरीद सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मंदिर बहुत ही सुंदर है। तो मैंने बाहर ही दर्शन कर लिया था और अंदर भी गया, एक मंदिर पे दर्शन किया, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अभी मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मंदिर दर्शन करने के बाद। तो यहाँ का व्यू देखिए, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लगते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ एक बार ज़रूर आइए हॉयग्रीव माधव मंदिर। तो आइए वीडियो को थोड़ा एन्जॉय करते हैं और पूरे का व्यू देखते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हाँ, मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।